तो आइए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। क्या होता है? पहले तो ये देखें कि सेल डिवीजन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय प्रिवोस्ट एंड टूमन इन 1824। तो सेल डिवीजन की खोज प्रिवोस्ट और डुमंस ने 1824 में कहां पर ओनियन रूट टिप यानी प्लांट सेल में किया, दैट इज इन ओनियन रूट टिप यानी हम कह ले प्लांट सेल में सेल डिवीजन की खोज हुई है। तो सबसे पहले आते हैं इसके हम डेफिनेशन पर। क्या होता है? When a cell divides into two or more daughter cells in controlled and regular way, known as cell division. Repeat again. When a cell divides in regular and controlled way, known as cell division. मतलब यदि कोई cell regular और नियंत्रित नियमित और नियंत्रित रूप से दो या अधिक डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। When a cell divides into two or more daughters इन कंट्रोल्ड एंड रेगुलर वे नोन एज सेल डिवीजन। तो ये है बेटे सेल डिवीजन, यानी अगर हम ये लेते हैं दिस इज द पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल, ठीक। अब ये डिवाइड हो रहा है, किस प्रकार डिवाइड हो रहा है? रेगुलर एंड कंट्रोल्ड वे, नियमित और नियंत्रित रूप से डिवाइड हो रहा है। तो या तो ये बना रहा है टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल बना रहा है, या फिर बना रहा है फोर डॉटर सेल, ठीक है, दिस इज द फोर डॉटर सेल, ठीक। लेकिन सेल डिवीजन का दो क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहला है कंट्रोल्ड एंड रेगुलर वे, ये दो पैरामीटर है। यदि यही सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर हो जाता है तो फिर वो सेल डिवीजन नहीं होगा, दैट बिकम्स कैंसर, ठीक है। यानी दिस इज द इरेगुलर एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल नोन एज व्हाट वी कॉल इट कैंसर। यदि डिवीजन अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर हो गए तो वो सेल डिवीजन नहीं, दैट इज द कैंसर कहलाए। हमको मालूम बेटे सेल डिवीजन एट मॉलिक्यूलर लेवल कंट्रोल्ड बाय डीएनए, दिस इज द एट मॉलिक्यूलर लेवल सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट डीएनए, जबकि व्हाई फिजिकल लेवल इट इज कंट्रोल्ड बार किसके द्वारा? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के द्वारा कंट्रोल। भाई सेल डिवीजन रेगुलर और कंट्रोल्ड प्रोसेस है, और इसको कंट्रोल करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए कंट्रोल करता है, और फिजिकल लेवल पर
सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी NLP इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NV अपॉन CV माइनस NV हो जाएगा। ये कंट्रोल करता है, जहां पर NV वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा, CV यानी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, NV वॉल्यूम। तो NV अपॉन CV माइनस NV ये फिजिकल लेवल पर सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। लेकिन बेटे यहां पर यदि यही कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है, यानी DNA लॉस्ट इट्स पावर है ना टू कंट्रोल द सेल डिवीजन, इन दैट केस इट बिकम्स इररेगुलर एंड इट इज नोन एज कैंसर। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा, ये एक पेरेंट सेल, दिस इज द पेरेंट सेल। अब ये इनमें क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन हो रहा, और देयर इज ए रिपीटेड डिवीजन हो रहा, रिपीटेड डिवीजन। तो हम यहां पर ये बना रहे हैं इस प्रकार, ये बना है, दिस इज द क्या बना, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो दिस इज द मास ऑफअनडिफरेंशिएटेड सेल, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम केलस कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो पेरेंट सेल है रिपीटेड डिवाइड हो रहा है और नंबर ऑफ सेल्स बना, लेकिन वो सेल्स जो बने हैं डॉटर सेल्स वो अनडिफरेंशिएटेड, तब उस केस में इसे हम केलस कह रहे हैं। और यदि इसके दो पॉसिबिलिटीज देखें, यहां पर यदि ये इस प्रकार ये अलग अलग हो गए, यानी ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा, डिफरेंशिएटेड कंडीशन। तो दिस इज द डिफरेंशिएटेड कंडीशन। ठीक, क्लियर है, और ये अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन फिर रहेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, यानी दिस इज द यहां पर क्या हो रहा है, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन। तो दिस इज द व्हाट वी कॉल इट, ट्यूमर है, दिस इज द ट्यूमर और कैंसर। बट इन केस ऑफ ब्लड सेल्स है ना, दैट इज द ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं, वहां पर इस प्रकार के ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर, अब आते बेटे इसके बाद नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, आखिर सेल क्यों डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एम्स कहिए, एम्स ऑफ सेल डिवीजन या नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन के नेसेसिटी या एम्स क्या है। तो इनमें पहला है बेटे सेल डिवीजन की नेसेसिटी, दिस इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो डॉटर सेल्स ही नहीं बनेंगे तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा। तो दिस इज फॉर, ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। दिस इज फॉर सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। तीसरे बटे इसका नेसेसिटी है, ठीक है, रिपेयर ऑफ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स, जो भी चाहे एक्सीडेंट के कारण हो, कटने का कारण हो, या किसी भी कारण से बॉडी के सेल्स या टिश्यू डैमेज हो चुके या पुराने होकर डीजेनरेट हो रहा है, तो उसके रिपेयर के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। फोर्थ है, ये है
वाउंड हीलिंग, ठीक है, घाव भरने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आते हैं, क्यों जरूरी है सेल डिवीजन, गेमिटोजेनेसिस, पहले एक और ले ले, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। सिक्स पॉइंट लेते हैं यहां पर, और सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, गेमिटोजेनेसिस के लिए, यानी मेल गेमिट फीमेल गेमिट स्पर्म ओवम फॉर्मेशन के लिए, यानी दिस इज फॉर गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस। ये ऐसे एम हैबिटेट जिनके फुलफिल करने के लिए सेल डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटे कि इनमें से फर्स्ट टू फिफ्थ जो एम है, ये पांचों जो एम है, ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फुलफिल होता है, जबकि ये जो सिक्स जो एम है, ये बाय मियोसिस, मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये होता है, और ये पूरा का पूरा किसके द्वारा होता है, बाय माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो ये था जनरल अकाउंट फॉर द सेल डिवीजन।